प्लाज्मा। अरे अरे भाई लोग क्या हुआ, थाला कैरेक्टर भी आ चुका है, प्लाज्मा भी आ चुकी है, ओबी 44 अपडेट आ चुका है और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ओबी 44 में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लेटर के बाहर के अपडेट में बहुत सारे तरंग कैरेक्टर आए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से लेटर में चेंज हुआ है। तो गाइस ओरियन में चेंज हो चुका है कि पहले हम लोग उसको 200 ईपी में यूज कर सकते थे, अब लेकिन सब लोग उसको यूज करने के 150 ईपी चाहिए होगी। और हाँ, ये यूजर के लिए एक बैड न्यूज है क्योंकि उसके 45 सेकंड से कूल डाउन उसका हो गया है 60 सेकंड तक। ये तो बात हो गई कौन से कैरेक्टर में चेंज हुआ। बात करते हैं कौन से कैरेक्टर नए आए हैं। उसका नाम क्या, उसका नाम है काइरोस और इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आपके पास 0 ईपी होगी तो आपको ये 200 ईपी देगा, आपकी 200 ईपी फुल होगी तो आपको ये एरमने प्रिंटेशर बढ़ा देगा। एक और नया कैरेक्टर आया है अभी टेस्ट करने के लिए आया है, उसको हम लोग वीडियो के एंड में ब्रेकआउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के बारे में। तो हम लोग को छोटा मोटा अपडेट ये है कि अब जहाँ पे फ्रेंडली साथी है उसके एक सेक्शन आएगा, इसके अंदर हम लोग को लिखा होगा रेडी ऑनलाइन और डू नॉट डिस्टर्ब में। तो उनको तीनों को ब्रेकआउट करके हमको बताते हैं। रेडी का मतलब हो जाएगा कि आप रेडी हैं, बस आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगा आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे फट से। ऑनलाइन का मतलब होगा मैनुअली किसी का भी ग्रुप को जा सकते हैं और आ सकते हैं, मतलब जो भी करना है कर सकते हैं। और तीसरे का लोगों को डू नॉट डिस्टर्ब, जैसे मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब काम करते हैं वैसे इसमें भी डू नॉट डिस्टर्ब काम करेगा, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। और हाँ, एक और नया अपडेट है कि आप जब नॉक हो गए तो आपके सर पे एक शील्ड बन जाएगी, पता नहीं क्यों लेकिन बन जाएगी। और हाँ, एक अपडेट जो मेन है सेंसिटिविटी के बारे में। अभी के टाइम पे हम लोग में सिर्फ 100 सेंसिटिविटी होती है लेकिन एडवांस में 200 सेंसिटिविटी आ चुकी है। यार देखो यार क्या होता है। और हाँ गाइस, अभी के टाइम पे किसी भी एनिमी का नाम नहीं पढ़ सकते लेकिन एडवांस सर्वर में आप पढ़ सकते हो। बताए कैसे, आप किसी भी एनिमी पे क्रॉसियर लेकर जाओ, रेड डॉट हो जाएगा तो रेड डॉट पे क्लिक करो और एनिमी का नाम लिख के आ जाएगा। हाँ, तो आप बात करते हो उस अपडेट की जिसका था आप लोगों को बेसब्री से इंतजार, नहीं था नहीं, प्लाज्मा प्लाज्मा उसको तो एंड में ब्रेकआउट करेंगे। हाँ, तो प्लाज्मा दो फॉर्मेट में आई है, एक प्लाज्मा वाई है, एक प्लाज्मा 3 चिप वाली है। और मुझे तो चलाने में बहुत बढ़िया लगी, इसका रेट ऑफ फायर भी बढ़िया और डैमेज भी बढ़िया है। और हाँ, एक नई गाना है जिसका नाम है FGL 24। बेसिकली है कि लॉन्चर की तरह काम करती है, पता नहीं क्यों आई है ये, पता है एक लोअर पर चिपक जाती है, बंदी के ऊपर चिपक जाती है, गाड़ी के ऊपर चिपक जाती है, उसको डैमेज देती है बस। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो क्या करो यार, वीडियो को लाइक करो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और आखिरी अपडेट बचा उसको ब्रेकआउट करते हैं और जो कि है हमारा थाला, तो चलो उसको भी ब्रेकआउट कर देते हैं। हाँ, तो अब बात करते थाला कैरेक्टर। थाला कैरेक्टर भी टेस्ट बॉय में आया है। टेस्ट बॉय की एबिलिटी इतनी भयानक है ना, उसे थाला कैरेक्टर की हो सकती है। तो एबिलिटी उसकी ब्रेक डाउन कर देता हूँ मैं। तो एबिलिटी ये है, अगर कोई भी एनिमी या फिर आपका टीममेट नॉक होगा तो एनिमी के ऊपर रेड सर्कल आएगा और आपके टीममेट के ऊपर ग्रीन सर्कल आएगा और सर्कल पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आप टेलीपोर्ट हो जाओगे, मतलब तो माइंड ब्लोइंग एबिलिटी है। और टेस्ट बॉय के ऊपर इन चचा का फोटो छपा हुआ है, मतलब पता नहीं लेकिन इन चचा का फोटो छपा, माई बाय का नहीं छपा, मतलब थाला का ही छपा। और चचा के अपडेट से टेस्ट बॉय के रूप में ही आ रहे हैं। बता दूं ये मेरी तरफ से तो 99% कंफर्म है और 1% यार देख लो इतना। और हाँ, अभी इतना वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना यार, प्लीज यार कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 500 सब्सक्राइबर करवा दो प्लीज यार।